गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग शुरू हो रहा है ऐसे ही रैंडमली, कुछ करने को था नहीं तो थोड़ा सा घर का जो सामान था जो लेने जाना था, और एक अजीत को अपना स्पेक्स सही करवाना है, उसका टूट गया था। तो मैंने सोचा कि बहुत दिन से व्लॉगिंग भी नहीं हुई, क्यों ना हम व्लॉगिंग ही कर ले। लेट हो रहा है, शाम का कुछ टाइम हो रहा है 6:30 बजे का, और देखो जो जो हम करते जाएंगे वो हम आपको दिखाते जाएंगे। मुझे गर्मी बहुत लगती है, मैंगो से मैं आपको घर पे आके वापस जब मैं आऊंगी तब मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी। तो अब मैं आपको मिलती हूँ रास्ते में। मैं आ गई हूँ नीचे और ये रहे अजीत। हाय, ख्याल से एक बार भी सर्विस नहीं हुई ना? हाँ तो फिर इसकी सर्विस करवा नहीं, दे दो ना इसको एक दिन। यार एक को ना मैंगो की दवाई नहीं मिल रही है, जितने मोदक खाया ना सारे मोदक का भी हिसाब किताब पूरा कर रही है, इतने सारे बाल झड़ रहे हैं ना उसके, अब उसकी कहीं से दवाई नहीं मिल रही। चलो कहीं ढूंढते हैं और। तो जी हम यहाँ से निकल गए, देखते हैं RDC से मिलेगी शायद, है ना, वहाँ चल के देख लेते। ये रहा पीनू मेरा, उधर देखो उधर। सर आपको ये मिल जाएगा, इसके लिए टाइम लगेगा सर। टाइम लगेगा जी सर, कल शाम तक या परसों। मैंगो की दवाई तो कहीं से नहीं मिल रही है, वो मेरे को ऑनलाइन ही मंगवानी पड़ेगी बेचारी की दवाई। अब हम आए हैं थोड़ा सा राशन वगैरह लेने, और देखती हूँ अंदर अगर टाइम लगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज मैं आपको बाहर आके मिलूंगी। ठीक है, काम काम है, काम में कोई वो नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता कुछ भी। और इंसान ने अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो उसको कभी भी ये नहीं होना चाहिए कि ये काम छोटा है ये काम बड़ा है। काम कभी भी छोटा बड़ा देख के नहीं करना चाहिए, मेरा मानना तो यही है कि काम कभी ये नहीं देखो कि छोटा है बड़ा कैसा है, लोग क्या कहेंगे, अरे लोग खाने को थोड़ी ना देंगे। तो जी गोलगप्पे हमारे हो चुके हैं और हम चल रहे हैं बढ़िया सी राइड पे, और ये जो मौसम है ना, ये मौसम मेरे को बहुत अच्छा लगता है। ये जो दिवाली से पहले का जो टाइम होता है ना, इसमें इतनी सौंधी सौंधी सी खुशबू। हाँ हाँ अजीत कह रहे हैं ठंडक भी है मौसम में, क्योंकि अब जैसे शरारत चल रहे हैं तो ये थोड़ी सी हवा बहुत अच्छी लगती है। तो जी इसी के साथ आप ये देखो कितनी प्यारी खाली खाली रोड है, और बहुत अच्छा लग रहा है ना इसमें। पता है क्या, जब अब थोड़ी सी ठंड ठंड शुरू हो जाएगी ना, सर्दी आने लग जाएगी, तो मैं और अजीत क्या करते हैं हम लोग ना, रोज शाम को है ना जीत, हम लोग रोज शाम को आइसक्रीम खाएंगे या फिर गोलगप्पे, और ऐसी ठंडी ठंडी में, या कभी बाइक या स्कूटी पे ऐसे हम लोग ऐसे राइड पे निकलते हैं। वो जोन से वो दो तीन महीने होते हैं ना, चीज हम बड़ी इंजॉय करते हैं ना, हम हर साल करते हैं, ये नहीं अभी एक कभी कभार कर लिया अभी हर साल जाते, हम हर बार करेंगे और मजा आता है। हमारे यहाँ पे जैसे मेला लगता है ना, अभी दशहरा आने वाला है तो मेला लगेगा, तो उस दशहरे के मेले में ना हम लोग जैसे अब लगना स्टार्ट हो जाएगा तो दशहरे से 4-5 दिन पहले हम जाना स्टार्ट कर देंगे, और हम पूरा मेला भी बहुत बड़ा लगता है यहाँ पे, बहुत ज्यादा बड़ा है, मतलब आप एक बार में तो पूरा घूम ही नहीं पाओगे, इतना बड़ा मेला होता है। ओ थोड़ा सा अंधेरा आ गया पर मजा आ रहा है पीछे, ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ऐसे पीछे बैठ के ना बात करना, और मैंने अपना स्टैंड बना रखा है अजीत के कंधे। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, तो मैं ये कह रही थी कि हम लोग ना दशहरे के मेले में हम लोग जाना स्टार्ट कर देंगे, है ना, और इतना मजा आता है ना जब आप रात को जाते हो ठंडी ठंडी हवा, सारा मतलब काम वाम नबेड़ के अच्छा लगता है। आप लोग भी मुझे कमेंट में बताना कि आपको ऐसी क्या चीज अच्छी लगती है जो आप अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली के साथ करते हो। मेरे को तो ये, मेरे को और अजीत को तो ये चीज बहुत अच्छी लगती है,
मम्मी भी मजा, मम्मी भी जाती है, पर मम्मी की कहीं पर तबीयत सही ना हो ना तो फिर मम्मी नहीं जा पाती, पर हम दोनों तो जाते ही जाते हैं, चाहे जो मर्जी होता रहे, है ना जी। बड़ा मजा आता है। आपकी बात सोच रहे कि एक बार ना मैंगो को भी लेके जाए ऐसे ना रात को। जी तो आप एक बार में आप कितने गोलगप्पे खा सकते हो? 20। हाँ अजीत एक बार में 20 से 25 गोलगप्पे आराम से खा लेते हैं, और मेरे को तो गोलगप्पे वैसे ही इतने पसंद है, मैं तो मतलब मैं एक बार में 10 से 12 गोलगप्पे मैं मजे से खा सकती हूँ। 12 गोलगप्पे से ऊपर नहीं मैं खा सकती, कहने का मतलब हुआ कि लड़के बहुत कम शादी से पहले गोलगप्पे खाते हैं, जो चटोरे होंगे ना, जो लड़के चटोरे होंगे वही शादी से पहले गोलगप्पे खाते हैं, उसके बाद सब अपनी वाइफ से उनको आदत पड़ती है। अजीत जब हमारी शादी हुई थी ना तो अगर मैं गोलगप्पे खाती थी तो अजीत टिक्की खाते थे, गोलगप्पे नहीं खाते थे, तो फिर मैं जैसे कहती थी कि एक मेरे में से ले लो, तो ऐसे तो उनको ऐसा चस्का लगा, अभी आदमी 25-25 गोलगप्पे खा जाता है रेडी पे खड़ा खड़ा, हिलता नहीं है। रेडी वाला खुद कहता है भाई साहब निकलो अपने घर को, मैंने और ग्राहक को भी बेच दिया। अभी मतलब आराम से 20-20 गोलगप्पे तो आराम से खा जाते, इतने मतलब इनको वही है ना जीभ का चटका। मैं तो अभी मुंह में पानी आ रहा है, पर मैं ऐसे ब्लॉगिंग कर रही हूँ ना कि अजीत एक्टिवा चला रहे हैं और मैं ऐसे ब्लॉगिंग कर रही हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं अजीत के पास लाती हूँ। अजीत आपको कैसा लग रहा है? लाइफ में बहुत कुछ नहीं है अगर देखा जाए ना, ये छोटे छोटे से पल होते हैं, मोमेंट होते हैं, इनको आप इंजॉय कर सकते हो, और है ना कि नहीं, ये चीजें होती है लाइफ में। मुझे मेरे को ऐसी चीजें पसंद है क्योंकि मैंने ये सब चीजें कभी एक्सपीरियंस नहीं की, अब मैं कर रही हूँ तो मेरे को मजा आ रहा है, अब मैं इंजॉय कर रही हूँ इस चीज को बहुत अच्छी तरह, तो अच्छा लगता है, मजा आता है। आप लोग बताना, आपको ना थोड़ी थोड़ी हवा की आवाज आएगी क्योंकि हवा थोड़ी ठंडी चल रही है, इसलिए आपको थोड़ा सा वॉइस में, पर मेरी आवाज बड़ी ऊंची है तो आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आपको एटलीस्ट सुनने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, हमारा बेस्ट मोमेंट तो यही होता है कि हम लोग जैसे भी ऐसे राइड पे निकल जाए रैंडमली कभी भी, कई बार तो हम सुबह सुबह जब मैं कभी हम जल्दी उठ जाते हैं तो हम सुबह सुबह निकल जाते हैं तो अच्छा लगता है, मजा आता है। ये चीज हम दोनों को बहुत पसंद है, इस चीज को हम बहुत इंजॉय करते हैं मतलब। तो जी अब मैं आपको मिलूंगी थोड़े से रास्ते में हो सका तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको मैंगो का तो मैं आपको जरूर मिलवाऊंगी। मेरा बच्चा अकेला बैठा होगा, मैंने अपने बेटे के लिए कुछ खाने को भी नहीं लिया, बेचारे की दवाई भी नहीं मिली, और उसको ऑनलाइन मंगवाऊंगी। हम मैंगो के लिए आइसक्रीम लेके जाएंगे, उसको थोड़ा सा ना पता क्या यार, वो भी ना बेशक वो डॉग है और वो ना मतलब लोग डॉग्स को ना थोड़ा सा वो करते हैं कि अरे डॉग है, डॉग पाल रखा है, डॉग के साथ ये प्रॉब्लम है वो, पर हमने ना मैंगो अब हमारे जो है ना 2 साल की हो जाएगी, मैंगो जो है ना अब 2 साल की हो जाएगी, लेकिन मैंगो के साथ हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक, हमने कोई टचवुड गुरु जी की कृपा से, मेरे भोले बाबा की कृपा से मैंगो बिल्कुल सही रहती है और हमें बिल्कुल भी परेशान भी नहीं करती। अब हमारे लिए तो लाइक वो चाइल्ड है, बच्चा है हमारा, हमारे लिए तो जैसे हम अब घर पे जाते हैं ना तो बेचारी वेट करती है कि अभी आएंगे, फिर वो जब हम जाएंगे ना तो वो सबसे पहले पता क्या देखती है, जो भी हमारे बैग होते हैं ना उनको सूंघती है कि मेरे लायक कोई चीज आई है इसमें, और अगर हम कहेंगे ना कि पापा मैंगो के लिए, चीची लाइक खुश हो जाती है ना वो, मैं आपको दिखाऊंगी वो कितनी खुश होती है। तो ये चीजें ना हर कोई फील नहीं कर सकता, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, पर मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है ना मैंगो के साथ वो मैं कहती हूँ कि मतलब बहुत ही ज्यादा। हमारे कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो मतलब अजीत के फ्रेंड्स हैं, वो देख भी रहे होंगे, जो मतलब डॉग्स को लाइक नहीं करते, हमने बोला कि भाई चलो हम उसको मैंगो को ले आते हैं, कुछ नहीं कहती, तो उन्होंने मतलब ये बोल दिया कि भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, काट लेंगे। तो अजीत अपने फ्रेंड्स के फंक्शन पे नहीं गया मैंगो के चक्कर में, सोचो कितना प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है साहब। पता है क्या आजकल जैसे ना डॉग, हाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको, जैसे आजकल डॉग बाइट्स हो रही है बहुत ज़्यादा, उसमें ना डॉग्स की कोई गलती नहीं है, उसमें जो गलती है उनके ऑनर की गलती है, क्योंकि उनके जो ऑनर हैं डॉग्स के, उन्होंने उनको नहीं बताया, नहीं उनको ट्रेनिंग नहीं दी है। हमने भी मैंगो को कोई ट्रेनिंग नहीं दी है, बट हमने मैंगो को इतना सिखाया हुआ है कि मतलब आपने किसी पे अटैक नहीं करना, वो ऐसा नहीं कि घर में कोई आ जाएगा ऐसा भी नहीं है, पर जैसे वो हमारे साथ घूमने जाती है, नीचे वॉक पे जाती है, या
वैसे ही हम उसको घुमाने ले जाएं, या हमारे घर पे कोई हमारे रिलेटिव्स भी आ जाते हैं ना, तो वो अटैक नहीं करेगी उनके ऊपर बिल्कुल भी, वो उनको उनके पास जाएगी, उनको सूंघेगी और फिर मतलब थोड़ी देर होता है उसको कि मैं खेल लूं इनके साथ और फिर वो अपना आराम से जाके बैठ जाती है, पर वो अटैक नहीं करती क्योंकि 2 साल तो सब जो डॉग पेरेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि उनके डॉग्स कैसे हैं, उनका बिहेव कैसा है। और लैब्रा डॉग तो वैसे इतनी स्वीट ब्रीड है जानी, वो तो वैसे ही नहीं किसी को कुछ कहती, वो तो उसको तो होता है उसको अगर आप 2 दिन नहीं बुलाओगे डिप्रेशन में चली जाती है, वो बेचारी उदास होकर बैठ जाती है। तो मतलब इसमें ना मैं डॉग्स की गलती नहीं निकाल लूंगी, इसमें उनके ऑनर की गलती होती है, क्योंकि अगर आप किसी जैसे है, देखो है तो जानवर है, ये बात नहीं है कि वो जानवर के उसका कुछ पता भी नहीं होता, पर यह है कि उसको कंट्रोल करना भी उसके ऑनर के हाथ में होता है। वो किसी जैसे आपने देखा होगा नोएडा में भी हुआ है एक डॉग अटैक हुआ है, और एक लेडीज जो थे वो यहाँ पे है गाजियाबाद में, वो डॉग्स को अपने लिफ्ट में थी, उन्होंने उसने एक बच्चे को बाइट कर लिया डॉग ने, और उसके बाद भी उनका बड़ा नॉर्मल सा उनके उसके ऊपर रिएक्शन था कि फिर क्या हुआ अगर कर लिया तो, है ना, जबकि उनके ऊपर पुलिस की FIR भी आई थिंक उन्होंने उनके पेरेंट्स ने करवाई है। तो वो चीज़ है, अगर लिफ्ट में डॉग है तो या तो आप लिफ्ट में मत जाओ, और अगर ये सबसे बड़ी डॉग जो ऑनर होते हैं ना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कोई आप लिफ्ट में डॉग के साथ हो तो आप सामने वाले को मना कर दो कि भैया 2 मिनट रुक जाओ, डॉग अभी डॉग है लिफ्ट में, ये आपकी भी आपके लिए भी अच्छा है, सामने वाले के लिए भी अच्छा है और डॉग्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि ऐसे बाइट करना भी सही नहीं है। मैं ये भी नहीं कहती कि डॉग्स बाइट करना सही है या, पर इसमें मैं मानती हूँ कि ऑनर की गलती होती है हमेशा, क्योंकि ऑनर ने उसको कमांड नहीं दे रखी। अगर आपने अपने डॉग्स को कमांड दी हुई है ना तो वो मजाल है, वो किसी को काट जाएगा आपके कमांड देने पे, चाहे वो फिर कोई सी भी ब्रीड हो, चाहे जर्मन शेफर्ड हो, चाहे रॉटविलर हो, चाहे गोल्डन रिट्रीवर हो, चाहे पग हो, चाहे छोटी से छोटी ब्रीड हो, अगर आपने उसको कमांड अच्छी दे रखी है ना तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं काटेगा और वो किसी को भी नहीं काटेगा, वो अटैक नहीं करेगा आपके बोले बिना। ये चीज भी डॉग भी तभी अटैक करते हैं जब उनको लगता है कि हमारे मालिक को खतरा है, ऐसे वो भी अटैक नहीं करते कभी भी, या आप उनको छेड़ते हो तब वो अटैक करते हैं, और या फिर वो तब अटैक करते हैं जब आपने अपने डॉग्स को सोशलाइज ना करवाया हो। अपने डॉग्स को सोशलाइज करवाना बहुत जरूरी है। तो इसी के साथ, इसी ज्ञान की बातों के साथ हम अपने ब्लॉग को एंड तो नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको अपनी मैंगो से मिलवाना है। एक तो हवा इतनी अच्छी चल रही है और एक मैं बैठी हूँ एक्टिवा पे और ऊपर से मैं कर रही हूँ ब्लॉगिंग, तो इससे अच्छा मज़ा नहीं आ सकता मतलब किसी भी चीज़ में। मेरे को ना यार छोटे छोटे पलों को इंजॉय करने में बड़ा मज़ा आता है। अरे मैंने बहुत सारी बातें करी हैं पर क्योंकि मेरा बोलने का बहुत ज़्यादा मन था इसलिए मैंने बहुत सारी बातें कर ली, तो मुझे बोल के अच्छा भी लगा और मैंने उसमें काम की बात भी बोली है, ऐसी बात नहीं है। आओ इसी चक्कर में मैंगो की आइसक्रीम भूल गए, अब मेरा बच्चा उदास होता। चल वापस करो, हम मैंगो के लिए तो हम वापस पलट जाते हैं। चलो अमूल वाले से लेनी है ना, मैंगो के लिए तो अजीत को वापस हो लेगा, मेरे लिए नहीं होगा। मतलब ये तुम सोच लो कि अपनी वाइफ के लिए वापस नहीं जाना था इस बंदे ने, अब ये मैंगो के लिए वापस आएगा स्पेशल अमूल के वहाँ पे जहाँ पे अमूल का वो खड़ा होता है भैया। पापा से मिल लो, मिल लो, मिल लो, मिल लो, मिल लो। आए, पकड़ना। देखो ये मम्मा आपकी ले आई चीजी। हाँ मेरा बेटा, अरे 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 आओ आओ आज आइसक्रीम खा से बैठ जाओ, नीचे बैठ के खाओ, नीचे बैठ के आराम से बैठ के खा लो। ये करेगा मैंगो अपनी आइसक्रीम इंजॉय, देखो देखो कितने प्यार से खाती है ये मैंगो अपनी फेवरेट आइसक्रीम इंजॉय कर रही है। और अब इसी के साथ मैं अपना ये व्लॉग एंड करती हूँ, अब मैं आपको मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ये रहा मैंगो। मैंगो कैसा लग रहा है? अब नहीं ध्यान देगी ये बिल्कुल भी। ये देखो ये करा इसने पीछे से, ये फाड़ दिया मेरा सिलिकॉन ग्लव्स। चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं इतना तो कर ही देते।